यार ऐसा है कि मेरे जो मदर जो है ना वो बहुत जिद्दी हैं। वो कह रहे हैं बच्चे सरदार होने चाहिए, पगड़ी बांधे गर्मी में पागलों की तरह। आई डोंट नो व्हाट शी गेट्स, ये बहुत बड़ा इरिटेशन है और मैंने पगड़ी नहीं बांधनी, आई एम जस्ट डन। आई थिंक अगर तुम्हारी खुशी टर्बन ना पहनने में है तो यू शुड अवॉइड इट। मेरी माँ को कौन समझाए, नहीं मानती वो औरत। पता नहीं क्या फौजे तैयार करनी उन्होंने इतनी गर्मी के अंदर बिठा के पगड़ियां बंधवा रहे हो। यार एक बार बाल कटवा लो और उसके बाद तो मान ही जाएंगे। एंड आई हैव सीन लॉट ऑफ पेरेंट्स जो आखिर में मान ही जाते हैं फाइनली। देखो वैसे तुमने शादी नहीं करनी, पर अगर तुम प्लान बनाओ तो हम शादी करके ना हनीमून पे चलेंगे और वहां जाके मैं बाल कटवा लूंगा। घर आके बोल दूंगा कि मम्मा ऐसा है कि बालों में चुंगम अटक गया था, कोई ऑप्शन था नहीं तो कटवाने पड़ गए, एंड शी विल एक्सेप्ट। नाइस आइडिया, वैसे तुम बहुत क्यूट लगोगे बाल कटवा कर। मेरे को मालूम है, मैं पक्का लगूंगा, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। वैसे एक बात है, तुम मेरी मम्मी को बहुत पसंद आओगी। क्यों, मैं तुम्हारे बाल कटवा रही हूँ इसलिए? नहीं ऐसा है कि ना यार हमारे ना घर का केस चल रहा है, कुछ प्रॉपर्टी वाला मैटर, तो हमें एक लॉयर चाहिए। अब बाहर वाले लॉयर तुम्हें मालूम है कितना ड्रामा करते हैं, तो ऐसा होगा कि एक लॉयर है जो घर पे होगा तो आधी चीजें वैसी सॉर्ट हो जाती हैं। मतलब इफ यू डोंट माइंड, क्या केस चल रहा है तुम्हारा? सो ऐसा है कि हमारा जो घर है ना उसके जस्ट साथ में एक और घर है, एक बुढ़ा बुढ़ी से रहते हैं और उनके साथ में उनका एक बच्चा रहता है। सो वो अपने घर का कुछ ध्यान नहीं रख पाते, तो हम लोग क्या करते हैं जब भी अपना घर रेनोवेट करते हैं या पेंट करते हैं तो उनके घर के जो बाहर वाली वॉल है वो हम साथ में पेंट करवा देते हैं। सो वी टेक गुड केयर ऑफ दैट हाउस फ्रॉम आउटसाइड। अब सिंस इतने सालों से हम उसका ध्यान रख रहे हैं चीजों का, तो लॉजिकली वो घर हमारा बनता है, मतलब हमारा पूरा हक होना चाहिए। लेकिन वो बुढ़ा बुढ़ी है, मान के राजी नहीं है, हमें घर ही नहीं दे रहे हैं। होल्ड ऑन, तुम उनके घर की एक वॉल पेंट करवाते हो, मेंटेन करते हो, सो इसका मतलब वो घर तुम्हारा हो गया? एक सेकंड यार, तुमने मुझसे शादी करनी है ना, तो यू आर सपोज टू सपोर्ट मी इन एवरीथिंग। वो घर हमारा है, हमें लेना चाहिए वो, लाइक इवन इफ दे ओन इट बट वी हैव टेकन गुड केयर ऑफ इट सो वी आर सपोज टू टेक इट। इट्स इलॉजिकल। वो लोग कब से उस घर में रह रहे हैं? शायद पार्टीशन से पहले, लेकिन 70-80 साल से। यार वो तो उनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हुई ना। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का तुम्हें ख्याल है, एंसेस्ट्रल पगड़ी का नहीं। व्हाट? एक बहुत अच्छी सी कहानी तुम्हें सुनाता हूं। कुछ 100 साल पहले की बात है कि मुगल हमारे देश में कब्जा करने आए। हमारे देश का कल्चर था पगड़ी पहनना। अब मुगल कहते कि हम यहां पर राज करने आ रहे हैं, तुम हमारे गुलाम हो, तुम पगड़ी नहीं बांध सकते। जिन सूरमों ने उस बात को अपोज किया वो हम थे, हमने अपना कल्चर खोने नहीं दिया, हमने पगड़ी पहनी, हमने राजे महाराजे की तरह घोड़ों पर सवारी करना भी सीखा। मुगलों ने कहा कि अगर कोई हिंदुस्तानी, अगर कोई इंडियन दिख गया सर पे पगड़ी बांधा हुआ तो उसका सर धड़ से अलग कर देंगे। हम डरे नहीं, हम लड़े। हमने कहा चाहे अब सर धड़ से अलग कर लो या ट्राई कर लो, हम पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि हम खालसे सूर में हैं। एक राइट के लिए, एक सिंपल से राइट के लिए हमारे लोग शहीद हुए हैं, और दैट्स वाई वी आर कैरिंग दिस लेगेसी, बिकॉज वी नो आर एंसेस्टर्स हैव गिवन देयर लाइव्स फॉर दिस। बहुत कैजुअल सी बात है, मैं ज्यादा कहूंगा नहीं आपको, लेकिन अगर आपने पगड़ियां हटा के देख ली है ना, तो पगड़ियां बॉर्डर से हटा के देखिए तो आपको पता चल जाओ कि पग्गा क्यों जरूरी है। और आप कह रहे थे ना कि बाल कटवा ले बड़ा क्यूट लगेगा, तो मैडम क्यूट तो खरगोश लगता है, शेर हमेशा खूंखार ही अच्छे लगते हैं। सत श्री अकाल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सर्च।